इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विंडो 10 लैपटॉप में प्रोजेक्टिंग टूथिस पीसी का ऑप्शन है भाई हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइस आप यूज करते हो विंडो 10 पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें आपको मोबाइल की स्क्रीन है भाई आपको कैप्चर करना है, जो स्क्रीन मिरर करना है, लेकिन लैपटॉप में प्रोजेक्टिंग टूथिस पीसी का ऑप्शन है भाई हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप हमारा इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने लैपटॉप को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद उसमें मैं जो मोबाइल को कनेक्ट करना है, लेकिन प्रोजेक्टिंग टूथिस पीसी का ऑप्शन है भाई हमारा डिसेबल है, तो उसको हमें एनेबल करना है। तो एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें सिस्टम का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो प्रोजेक्टिंग टूथिस पीसी का ऑप्शन है भाई हमारा डिसेबल है, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि लैपटॉप में डिसेबल है, तो उसको हमें एनेबल करना है। तो एनेबल करने के लिए आपको फीचर्स पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं फीचर्स पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको उसमें इंस्टॉल करना है। तो चलो मैंने फीचर्स पे क्लिक कर दिया है, और आपको ऐड फीचर्स पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन है भाई आपको दिखने को मिल जाएंगे, तो आपको पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो चलो मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च में टाइप करना है वायरलेस डिस्प्ले। तो चलिए मैंने इस तरह सर्च कर दिया है, और सर्च करने के बाद उसमें आपको वायरलेस डिस्प्ले भाई आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो आपका लैपटॉप में जो इंस्टॉल हो जाएगा, और आपको आसान तरीके मोबाइल की स्क्रीन है भाई आपको पीसी या लैपटॉप में स्क्रीन मिरर कर सकते हो। तो चलो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में जो वायरलेस डिस्प्ले वही हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको इसी तरह इंस्टॉल कर देना है, और इंस्टॉल होने के बाद आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो वायरलेस डिस्प्ले वही हमारा लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैंने बैक बटन पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि अभी हमारा ऑप्शन ऑन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से जो सर्च पे क्लिक कर देना है। तो चलो मेरे सर्च वाला ऑप्शन है तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो आपको वायरलेस डिस्प्ले आपने इंस्टॉल किया है तो वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ वायरलेस डिस्प्ले, तो मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर दिया है। तो फिर से मैंने इस तरफ क्लिक कर दिया है, और आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो ऑप्शन डिसेबल है वही एनेबल हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में वायरलेस डिस्प्ले भाई हमारा ऑन हो गया है। तो आपको इसी तरह इंस्टॉल कर सकते हो और मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरी जगह से फीचर को ऑन करना है, इंस्टॉल करना है, तो आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है, और आपको एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं ऐप पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको जो फीचर है तो फीचर्स पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद उसमें ऐड फीचर देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलो मैंने फीचर्स पे क्लिक कर दिया है, और उसमें ऐड फीचर्स पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च में जो वायरलेस डिस्प्ले है वही आपको सर्च करके आपका पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, और आपको मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको पीसी या लैपटॉप में स्क्रीन मिरर करना है, तो वही आपको कास्ट स्क्रीन करना है, तो वही आपको आसान तरीके विदाउट सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि उसमें हमारा जो वायरलेस डिस्प्ले है वही हमने सही से इंस्टॉल कर दिया है, तो आपको आसान तरीके इंस्टॉल कर सकते हो, और मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस चले मैं फिर से सिस्टम पे क्लिक करके प्रोजेक्टिंग टूथिस पीसी पे क्लिक करता हूँ, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा ऑप्शन है वही हमारा ऑन है, तो आपको इस तरह डिसेबल है तो वही आपको एनेबल कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।